नमो राम परब्रह्म जी। सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया, जान दिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया हाथ। सतगुरु दाता मुक्ति का, दरिया प्रेम दयाल, कृपा कर चरणा लिया, मेट्या सकल जंजाल। कृपा कर चरणा लिया, मेट्या सकल जंजाल। अंतर थो बहु जन्म को, सतगुरु भान्यो आय, दरिया पति से रूठनो, अब कर प्रीति बनाय। हरि भक्ति की गुरा बताई बाठ, भूलायु जड़ जाय था, नर्ग पड़न के घाट। भूलायु जड़ जाय था, नर्ग पड़न के घाट। ऐसा सतगुरु हमें मिला, भवसागर रे बीच, खेवट सबको खेवता, भाई क्या यू तुम क्या नीच। बोलो राम जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली चतुर्दासी महाराज की। बोली श्री सुखसारण जी महाराज की। बोली श्री वाणी जी महाराज की। बोली श्री भक्तमाल जी महाराज की। सब बोलो राम। सब बोलिया राम। सब तो कौन बोलिया भाई, सब बोलो राम। महाराज की आंसू बिचों लो मैं अनंत आपरे आदि आचार्य जगतगुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य भक्तमाल जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धी शरण बापू जी महाराज आपसे चरणों में प्रणाम। विराजित आप सभी
सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमय माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपाओं, गुरु महाराज री मेहर और दयाओं, श्री जीवन राम जी रे विशेष भावनाओं परम पुरुषार्थ सुन चतुर्दास जी महाराज रे ई मंदिर पावन प्रांगण में बैठ सप्त दिवसीय भक्तों रो दिव्य चरित्र भक्त माल कथा श्रवण करने रो सुंदर अवसर मिलो है। बहुत ही सुंदर प्रसंग प्रारंभ है। प्रथम दिवसीय सत्संग में अपा ये सुनियो कि भाई संत दर्शन रो कई लाभ, कैसे संतारे दर्शन मात्रू एक वेश्यारो उधार हो गयो। संतारा दर्शन करिया, संतारी सत्संग करी, भगवान री भक्ति में लागी और एक वेश्या विरोधी कल्याण में। सजनों, ये संतों री सत्संग और ये राम जी रो जो नाम है ये जहाजरी बांधती है। जैसे जहाज में कोई भी बैठे तो जहाज कहीं करे, जहाज गिरी जाति नहीं देखे, जहाज ये नहीं देखे कि पापी एक पुण्य आत्मा है, नर है एक नारी है। जहाज में जो बैठे जहाज बिने पहली तीर पहुंचा गया। पापी पुनि पारगत कर ही लोहा पाषाण जाज संग तिर ही। पापी पुनि पारगत कर ही लोहा पाषाण जाज संग तिर ही। एक छोटी कील भी लोरी अपन जल में नेका तो वह डूब जावे, पर भी लो ने नाव में डाल दा देना कितो ही लो वे तो वह नाव की तीरू पहली तीर ले जा रहे। ये संतारी सत्संग गुरु महाराज रो ज्ञान, ये परमात्मा रो नाम जहाजरी बांधती। चढ़े जहाज सो डूबे नहीं, पहली पार उतारे नर नारी को कारण नहीं है, नाव सकल को तारे। राम जी रे नामो और जो सत्रे मार्ग माते चालिया, जो भगवान की भक्ति करी सत्युग सुन ले आज तक जीवा रो उधार व्यो है, बेनो कल्याण व्यो है और आगे भी वे तो रही। पहले भी व्यो, आज भी वे और आगे भी वे तो रही, तीनों ही काल में। सजनों, राम नाम री बड़ी महिमा है। अब राम नाम री महिमा ही सुना ला क्यों के संत महापुरुषों रा देखो बड़ा बड़ा राम द्वारा है, मंदिर है। आज महापुरुषों री जे जयकार करा तो क्यों करा के भाई राम जी रो नाम, राम जी री भक्ति करी बे कारण सु बे महापुरुषों ने याद करा। तो नाम री बड़ी महिमा है, राम नाम री बड़ी महिमा है। महात्मा कयो है, दरिया नाम है निर्मला, पूर्ण ब्रह्म अगाध, कया सुनिया सुख नहीं मिले, सुमरिया पावे स्वाद। बोलो राम जी महाराज की। दरिया नाम है निर्मला, पूर्ण ब्रह्म आगाध, कया सुनिया सुख नहीं मिले, सुमरिया पावे स्वाद। राम जी रे भजन में, राम जी रे नाम में बहुत प्रभाव है। और ये कलयुग है, कलयुग में तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वे अन्यत्र सब संत कहो
कलयुग केवल नाम आधारा और सिंवर सिंवर भव उतरो पारा। देखो कलयुग री समय में राम नाम रो बड़ो भारी महत्व है, क्योंकि कलयुग एक ऐसो युग है जी युग में बाकी साधन, बाकी नितनेम और बाकी होम यज्ञ आचार तृत व्रत ये बड़ो टेढ़ो काम है। राम नाम सुमरण कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी राम भजन कर सकता है, इनमें कोई अन्यत्र यम नियम लागू नहीं रहे। तो कलयुग में राम जी नाम श्रेष्ठ है। जैसे किसान व्यक्ति ऋतु अनुसार खेत में बीज बीजे, भाई जो ऋतु है कि भाई अब जैसे अभी अब क्यों बीज बीजो, अब जैसे समय आए जना खेती में जो भी बीज बीजे ऋतु अनुसार बीजे, ऋतु विपरीत खेत में बीज बीजे तो उग तो जा पर वो अंकुरित फलीभूत नहीं हुए, वो बढ़ जा वापिस अंकुर। कलयुग री समय में राम जी नाम ही श्रेष्ठतम साधन है। अच्छो आचार विचार हाथ सु काम करो और मुखार बिंदु राम राम करो। बड़ी सुंदर राम नाम री महिमा री कथा है। कई राम जी रा नाम में कड़ी शक्ति है और राम जी रा नाम रो कई लाभ है। तो आओ राम नाम सुमरण री महिमा में पहले अपा एक पद सुना राम राम री महिमा रो। खेड़ापा में देखो राजस्थान में रामसनी संप्रदाय री चार पीठा है और नारायणा पीठ दादू पंथरी पीठ भी राजस्थान में और भी खूब संतारा स्थान है। विशेषते रामसनी संप्रदाय री चार पीठा रामधाम रैण, रामधाम शाहपुरा, रामधाम सिंहस्थल, रामधाम खेड़ापा। खेड़ापा में आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज जिया। खेड़ा पोकुण जान तो छोटो सोथो गांव, रामदास जी प्रकट भयाजन चारों खूंट में नाम। रामदास जी महाराज राम नाम री जो महिमा बताई वो पद सुना, अभी आगे री अपन कथा सुना ला आज जी सत्संग। हाँ राम सिंह
परमात्मा जीवन दियो है, जो परमात्मा जन्म दियो है, भी परमात्मा री भक्ति कर ले, पर सुंदर अवसर है ये मानव जीवन। केवल मानव जीवन में ही जीव परमात्मा री भक्ति कर और अपनो कल्याण कर सके, अन्यत्र कोई दूसरी योनि है नहीं। लग 84 भुगत के नर्तन पायो नीच, लग 84 यूनी भुगते भुगते फिर मानव जीवन अवसर मिले, फिर नर्तन मिले और महात्मा के सुख राम राम सुमरियो नहीं, फिर मानव जीवन अवसर पाई भक्ति नहीं करे मानव, तो अंत में कहीं स्थिति वे। फिर पशुओं पक्षी कीट, फिर पशु पक्षी और कीट पतंगरी योनि में जानो पड़े, तो ये सुंदर अवसर है राम भक्ति रो। फच फच बता दीजिए, संतरे फच बता दीजिए, बोलो राम जी महाराज की। तो महात्मा कहे कि फिर 84 लाख योनि में जानो वापिस। 84 लाख योनि भटकते भटकते आया, कभी जलचर बनिया, कई दफ पशु पक्षी पुनि जलचर कीट और पतंग दिखाए, ऐसी यूनिया में भटकते भटकते आया, इस जन्म में आयर भक्ति नहीं करी, फिर वही 84 लाख जून जो भगवान ने बोले है। देखा हाँ, जो ही मानव तन में आई परमात्मा की भक्ति नहीं करे, वो जीव 84 में कैसे दुख पावे। संत संग्राम जी अपनी वाणी में लिखे, कहे संत संग्राम राम ने भूलो की कर, भूलिया बूंदी होई माजनो जासी बीकर, बीकर जासी माजनो देसी गधेरी जून, खांदे पड़सी टाकियार मोरा माते लदसी लून, मोरा लदसी लून चढ़ावे सामो शिखर, कह संत संग्राम राम ने बोलो की कर। बताओ फिर एक गद्देरी यूनि में कितो दुख है, मालिक भी रिपीट माते कितो भजन ढोवे है, और फिर चढ़ावे सामो शिखर पर्वतों माते चढ़ावे है, बिना उभार लीड़ो ऊपर जावे है, कि न कह सके बताओ। भूखो प्यासो 84 लाख यूनि रे दुख ने देख, और मानव ने संत कहे के प्राणी भजन कर ले,
वरना 84 लाख यूनिट दुख बड़ो खोजो है, आ गर्मी पड़ा है बाहर बैठा हाँ, कूलर पंखारी व्यवस्था है, मटकीरो ठंडो पानी पी लियो। 84 लाख जूनीरा जी का जीव है, मैं बताओ मेरी कहीं हालत है, कटे पानी है बताओ क्यों है, कौन रोटी ने कहे है, ऐसी तपत में गर्मी ने सहन कर ली। हे मानव भगवान री बिन भक्ति ऐसी यूनी में चलो जाए तो के सुमरण बिन छूटो नहीं जम द्वारे जाए, तो तू कर कहीं कि सदगुरु री शरण ले, ज्ञानी सदगुरु री शरण ले और विधिवत परमात्मा री भक्ति कर ले। अब सजनो कई जो जीव आस्तिक भी रहे धार्मिक भी रहे पर वे ने सच्चे सदगुरु नहीं मिले और सच्चो मुक्ति रू मार्ग नहीं मिले तो वे कल्याण ने कठी अन्यत्र खोजे, तीर्थों में खोजे। सब दुनिया भर में फिरे तीर्थ और वर्ता पर जैसे पानी उसका कार्य नहीं सरता। व्यक्ति ये देखे कि चार धामरी यात्रा कर ले वहां 68 तीर्थ कर ले वहां तो अपना जीव रो भलो बजाए, कठी गंगा हरिद्वार में चला जा वहां स्नान कर ले वहां बूटे अपना पाप डूब जाए, तो ये अज्ञान है भाई। पाप के मेरे बताओ, शरीर में रेवे मन में रेवे, पाप तो मन में रेवे है, तो स्नान करा जब तो शरीर मेल दुपे है, मन मनरो मेल थोड़ी दुपे है, मनरो मेल तो ही सत्संग रूपी तीर्थ में कोई गोतो लगाई और राम भजन करी भी प्राणी रे मनरो मेल दुपेला। इरवास्त के दरिया आत्म मल भरा कैसे निर्मल होई, साबुन लावे प्रेम का राम नाम जल धोई। तीर्थों में जाने हूं ठीक एकाद पुण्य मिल जाए बुढ़ बुढ़ जाने हूं, अच्छी भूमि रा दर्शन करने हूं, जागृत भूमि में जाने हूं थोड़ी मन में शीतलता वे शांति वे, पर कल्याण री बात और कितनी सुंदर टेक कथा आई है वाणी में कि एक समय एक राजा है जीरो नाम हो राजा सुभग, तो कहे एक नगरी रो वो राजा हो और 3 रानियां ही थी, कितनी रानियां आई 3 रानियां। सुभगरे तिहु नार दोई जो सुहागनी, तीजी ने दियो दुहाग कही मद भागनी। 3 रानियां में एक जो रानी ही वह भगवान री परम भक्ति, बाल्यकाल सुई कोई अच्छे महापुरुषों री बिने सत्संग प्राप्त हुई और संत बिने कल्याण रो मार्ग बतायो, तू भगवान री भक्ति कर जे तू शादी हुआ रे बाद में भी मेरी ज्यादातर समय है जो राम भजन में बीतती, बैठ जाती तो वो घंटों घंटों तक राम भजन करती एकांत में। संसार में संसारिक लोगा में पद पदार्थ में राजमहल में बिने कोई आसक्ति नहीं, कोई संसारों संसार आदमियों या धन दौलतों बिने कोई प्रेम नहीं है। वे तो जी तो काम कर लेती और काम करिया रे बाद में एक तरफ बैठर राम राम करती। तो राजा बिने के थो अरे कोई शादी विवाह वे भी दिन तो नया वस्त्र पहन, शादी विवाह वे भी दिन तो गहनो गांटो पैर, शादी विवाह वे भी दिन सब नाचे है गावे है पर तू तो कदी नाचे ही नहीं। तो वह कहती है राजा इस संसार ने देख, इस संसारी नश्वरता ने देख और मानव ने विराग रहना चाहिए, नाचनो कई बात रो कई बात री खुशी मनावा। राजा के तो देख मेल मौलिया अच्छा भोजन है सब अपने कई व्यवस्था देख अपने सुख ठाट बाट है। तो वह रानी कहती है राजा जी सुख ने तू सुख माने वो सुख है नहीं, अब तो झूठो सुख है,
भाई एक आम आदमी भी संसारिक चीजा में सुख ढूंढे, वास्तव में असल में सुख नहीं। कबीर साहब के झूठा सुख ने सुख कहे, मान रया मन मोद, जगत चबीना काल का कुछ मुख मेर कुछ गोद। बेटा जाया खुशी भई, बहुत बजाए थाल, आना जाना लग रहा ज्यों कीड़ी रो नाल। कोई घर में बालक हुए तो खुशियां मनावे ना चाहिए, अरे अरे मारे बालक भी हुए। पर देखा पहले दिन बालक रो जन्म भी हो खुशी मनाई जी, और कई दफे जिका माता पिता पुत्र ने जन्म दे इता खुश हुए, बे मात पिता रे सामने पुत्र की मृत्यु हो जावे और फिर रोवे, तो सुख सदा कटे रही हो बताओ। एक दिन सुखिया दूसरे दिन दुख वे गो, तो संसारिक चीजों में सुख है ही नहीं भाई। संसार तो प्रतिपल बदल रही हो, परिवर्तन में रही हो संसार में। तो भगवान रो भगत वह जी को तो गहर गंभीर रहे, तन खीना मन रहे उनमना, बोले शब्द सु प्यारा के सुख राम जका जन जग में रो जावे बहुजल पारा। तो वो कहीं भगवान री भक्ति करती, संसारिक विषय विकारों में कोई विनाशक्ति ही नहीं। दो रानियां ही वे राजा रो कहणो मानती, नए वस्त्र पहनती, गहना गांटा पहनती। तो राजा कहीं करियो के भी रानी ने दुहाग दे दियो जो भगवान री भक्ति करती, कि भगवान री भक्ति करने ही जन मारे पीछे क्यों आई। बिने राजा दे दी दुहाग, दुहाग नहीं जो रानी ने अलग रेउन मेल देता, बिने सुविधा कम दी जाती, खाने पीने की सुविधा दे देता, दुहाग दे दी रानी जो बा मेल बा एक तरफ रहती। देखो सजनो, महात्मा के राजू भी भक्त ने पहचान नहीं पाए। महात्मा कहो के भाई संतन की गति रामदास इन जग से लखी नहीं जाई, बाहर तो संसार सार भीतर उल्टा था। संत और भगतरी गति ये जग संसारा लोग जाने को नहीं। अब वो संती तो ही बताओ आप, भाई संत केवल वेशभूषण थोड़ी वे, जो को भगवान की भक्ति करे जी में अच्छा भाव है अच्छा गुण है वो संती है। राजो भी रानी की गति ने समझ नहीं पायो कि आ कितनी भगवान की भगत है। राजो भी ने दुआग दे दियो, बात तो ठीक है कि एकांत में हो रही, बाकी न्याल लिया अपने राम जी रो नाम ले मारवा एकला बैठा रहे वहां, बिने एकांत प्रिय लाग तो, क्योंकि भगवान रे भगत ने एकांत प्रिय लगे, जगतरी चर्चा कम अच्छी लगे। आ बैठी रहती भजन करती रात दिन। एक समय री बात कि राजा रे तो ही ज्ञान हो राजा ने कि भाई तीर्थ में जानो चाहिए, आदमी ने तीर्थ नाणो आदमी रो कल्याण वे। राजा एक समय तीर्थ में रवाने हुए, तीर्थ में रवाने वियोजना सुहागण जो रानिया ही बेने तो साथ ली, और जिन्हें दुआग दियोड़ो हो बिन कह के देख आज मैं तीर्थ में जाऊं, ए मारो कहणो मानती ए रानियानंद में साथ ले जाऊं और तारा भागी कोनी तीर्थम जावे जेड़ा, तू अठी बैठी रे। वाह रानी तो जुगा भगवान रा भजन करे भाई, बिना कोई तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बीरे तो घट में ही तो गंगा है, घट में ही यमुना है। महात्मा कह एक बार नाने री कोई आवश्यकता नहीं। मनड़ारा तीरथ नाई लो मारीली, बोलो मनड़ारा तीरथ आई लो मारीली, नहीं रे भटकण से काम एली, नहीं रे भटकण से काम। अड़सठ तीरथ सब भया मारीली, अड़सठ तीरथ सब भया मारीली,
एक कयो मुख रामैली, एक कयो मुख राम। मंदरा तीर्थ ना लो, मंदरा तीर्थ कहीं है, मंदरा तीर्थ है कि शील संतोष दया विवेक त्याग विराग परमात्मा रे प्रति अनुराग निर्धोका क्षमा एज का गुण है, ऐ मंदरा तीर्थ है भाई। जिरे मन में संतोष है, जिरे दिल में दया है, और जो भगवान री भक्ति करे, जिरी करनी उत्तम है, वो रेवे जट तीर्थीज है भाई। बताओ आप, जिन्हें किसी तीर्थ नाने की आवश्यकता है, और पाप करे धोखाधड़ी करे वो तीर्था में कितो ही नवे, तभी रो कल्याण थोड़ी वे। मीनक मारन कैसा बोलो, मैं तो गंगा जी जाऊं, मैं तो महाराज जी का पाप है जो गंगा जी में धोयो, कल्याण थोड़ी है। तो मथुरा बसे मरीली मन में, तो मथुरा बसे मरीली दिल रे द्वारी का जानैली, दिल द्वारी काया कसी रे माई नाई लोयेली, काया कसी रे माई नाई लोयेली, आठवीं पैर सनानैली, आठवीं पैर सना। बोलो राम जी महाराज की। जिकारो मन शांत है, जिरा मन में कोई पाप कपट नहीं है, वो मन ही मथुरा है। जिरो दिल साफ है, बीरो दिली द्वारका है। जो सांसो सांस भगवान रो भजन करे, भी काया में काशी है। तो देखो सजनो, राजा तीर्था में रवानी भी हो, राजा तीर्था चालियो, सुहागणिया संग लीवी, दुआगण को नहीं कयो कर्महीनी कही। तब परस्या तीर्थ धाम, धोत एक नाविया, विदिशु पुन हर दान देर घर आविया। अब कहीं करियो राजा और वे दो सुहागणी जो रानिया कुछ पंडिता रे साथ तीर्थ यात्रा में गया, और विधिवत पंडित लोगा ने पतो भाई जैसी तीर्थ में जावे तो कैसे कर लो, विधिवर करपुन दान देर घर आविया। देखो कोई भी तीर्थ व्रत भी ने विधियों करे तो कुछ पुण्य मिले जरूर है। जैसे कल बापूजी बताए होगा, आजकल तो लोग तीर्था में केवल मनोरंजन री दृष्टि में जावे, उनालो है गर्मी आलो पर तीर्था में बुट घूम मार बैठा, आ कोनी भी तीर्थ भूमि में जाए भगवान रो बैठ भजन करा कुछ समय, महापुरुषां री भूमि रा दर्शन कर बूठे बैठ कुछ समय राम राम करा, या बूठे जाहिर कुछ दान पुण्य में कटी भोजन रो भंडार चले तो आपा दो रुपयो दान पुण्य में खर्च करा, कोई यात्री आवे तो मैंने भोजन करावा, जब तीर्थां रो पुण्य मिले है। ये तीर्थ विधि है। और व्रत, व्रत रो असली लाभ कब मिले है, व्रत जैसे कोई ग्यास करे, कोई अमोस करे, कोई पुन्नम करे, तो जिस दिन व्रत करे भी दिन जैसे भाई भोजन नहीं करे, और अपने ईश्वरी जो रोटी है, जैसे चार रोटी हमेशा जिमे सुबह, चार जिमे शाम, आठ रोटी होगी, व्रत दिन बिल्कुल नहीं जिमे और वे आठ रोटी है, तो भी दिन कोई भूखो आदमी रहे तो अपने ईश्वरी भोजन बिन करावे, बिरु पेट भरीजे तो व्रत रो लाभ हुआ। आजकल तो लोग व्रत करे सा इग्यास है, अब इग्यास तो करे रोटी कौन खावे, बाकी सब जिम्मे अन्न नहीं खानो सा, अंदर अलावा घनी चीजा जिमना, कोई के सेगार जीम लो भाई, कोई के मत्तीरो जीम लो, कोई की कहवे, कोई की कहवे, तो बताओ कट वो पूरे दिन ही जिम दो हल्लो जिमे इग्यास दिन तो, और बीरे दिन पूरे दिन नीति भोजन में ही रहे, आज मारे व्रत है, आज मारे व्रत है, सुबह रोटी कौन जिमी, तो कहीं व्रत करिए बताओ।
तो कहने रो अर्थ है कि थोड़ो इन्हें भी थोड़ो ठीक ठाक ढंगू करे तो इरो की लाभ मिले। 7 दिन में 1 दिन भोजन नहीं करे, पेट भी ठीक रहे, 24 घंटा जिम्मा ही जिम्मा कनाई तो नहीं शांति आवे, आज नहीं जिम्मियों को, चलो 2 दिन कुछ दान पुण्य करे तो ठीक है, अपने इससे रो भोजन कोई भूखा न करावे तो ठीक है। तो राजा तीर्थां गियो, कुछ दान पुण्य भी करियो, पाछा रवाने भी आ तीर्थ कर और पाछा अपनी नगरी में आने लग्या। तो नगरी में प्रवेश होती समय एक बहुत बड़ो बगीचो, पहली बाग मुकाम पढ़िया पंडिता कयो, आछो मूर्त काल आज तो यहीं रहो। पंडित लोग कियो, भाई राजा आज अपा महल में प्रवेश नहीं वे वहां, क्यों कि आज मूर्त सही नहीं है। कहीं कियो, आज मूर्त सही नहीं है, आज रात तो ही बगीचे में रुका और कल सुबह मेलों में जाऊं। अब कहीं यो के दिन बीत भई रैन सरत एक गेरियो, चौंद चुनियो कोट पूछ पण फेरियो। रात्रि समय राजा भी बाग में आराम करता है, बीच समय एक बहुत बड़ो सर्प आई और चारों तरफ राजा रे कुंडली लगाए बैठ गो। राजा री आंख खुली तो आगे सर्प ऐसे बैठो है कुंडली लगाए, अब कहीं करे बताओ, एक डंक मारियो नहीं राजा री मृत्यु हुई नहीं। राजा क्यों उठो रे उठो, सब रानिया पंडित सब लोग उठे, अरे पंडित जी कहीं मर्द देखियो, आज जाते रहता तो वज्यता, अतः मर्द देखियो तो देखो तो सर्प आएगी और मारी मौत आएगी। आदमी कहीं करे छोका काम में मर्द देखे और बुंडा काम में मर्द कौन देखे, संगत करानी वेजन मर्द देख कि संगत कद करा, संगत करावना कहीं मर्द देखो कदी कराओगे नहीं। कई लोग तो वास्तव में ही बाप जी महारत 11 श्री जाए क्योंकि 11 श्री करनी है मत तय कर दी थे, तय कर दी कर लो घरा घरा भाई, संतान संगति करानी चाहे मत तय कर दी घर्रा के। अरे 2 दिन समय कोनी भाई, 12 दिन कराई ले, नहीं नहीं 12 दिन महाराज की मर्द कोनी। तो महाराजा ने निवेदन है कि संगत में कह दो कोई मर्द रहा संगत कराओ तो ठीक, मर्द कोनी संगत में मर्द की जरूरत है, कहीं राम राम करता कई मर्द देखने जरूरत है भाई, छोको काम करता कहीं मर्द देखने जरूरत, दान पुण्य करने भावना आवे कहीं मर्द देखो, कहीं मर्द देखने कोई आवश्यकता नहीं, छोका काम में मर्द देख भाई, बाल बच्चा ने प्रणाना है नहीं मर्द देखो सर, ठीक है बड़ा वेगा है प्रणाई दो, ठीक समय अनुकूल वे, बारिश नहीं वे, मौसम साफ रहे, शादी कर दो। कई लोग मर्द देकर ब्याह करे 24 घंटा भी दिन बरसात हो, मर्द कट काम आयो पता हो 24 घंटा ही बरसात हो, और कई बिना मर्द करे जो छांटी घुन पड़े, आप आराम आवे लोग जिम्मे आराम ब्याह नहीं हुआ। तो मर्द देखे बुंडा काम में मर्द कौन देखे, कोई ने गालियां काटनी तो मर्द देखे, इतने मर्द देख लो कि बाप महाराज मर्द देख जो गालियां काटू तो कहानी खीदी सही रहे, गालियां काटे जन मर्द कौन देखे, कोई लड़ाई करने जावे तो मर्द कौन देखे कि देखो रो चोकड़ियों क्यों है बिदिन देखे गए, नहीं नहीं लड़ाई करना हलनो है मान, और कोई कह दे बामन आयर के मोर ठीक हो नहीं तो महाराज ने आंद्रे फेंक दे कि नहीं मारे तो जानो है कह तो अड़ने के अड़ने, जो बुरे काम में मोर देखे कुछ, झूठ बोले जन मर्द कौन देखे, चोरी करे जन मर्द कौन देखे, लड़ाई करे जन मर्द कौन देखे, छोका काम में मर देखे, देखो दुनिया री उल्टी रीत है भाई। तो कह अब वो मर्द नहीं देख तो पहुंच जाए तो टेम मत है, अरे महाराज आप क्यों कल मर्द ठीक है पर आज मौत आएगी अब कहीं करा। राजा भयो उदास अबे कहीं कीजिए, पढ़िया पंडिता कयो धर्म पुन दीजिए। पंडित लोग क्यों राजा कि सर्व देवता ने संकल्प ले और थे जो भी दान पुण्य करियो वो दान पुण्य अर्पण करो संकल्प रे द्वारा। राजा ऐसे हाथ कर और के भाई मैं जो भी धर्म पुन दान करियो नाग देवता थाने अर्पण है
और मारो पीछो छोड़ो। सरप तसु मस नहीं हुयो। पंडित कहे रानिया हां भी जीवन में दान पुण्य करियो वो ही नाग देवता अर्पण करो। रानिया भी जीवन में कोई दान पुण्य करियो वो अर्पण करियो, पर सरप जीव रोतियो। अर्पिया तीर्थ व्रत धर्म पुन सब किया, और धर्म विधि नेम दान विपरा दिया। एक दिवस दो ही गया संकट भारी पड़ियो, सुख में उपजियो दुख पाप पूरो कियो। अब बड़ो भारी दुख आयो। सजनों जीवन में दुख कद आवे कोई पाप कर्म उदे वे ना तो दुख आवे जीवन में, सुख कद आवे कुरबली कोई पुण्य जागृत वे जब। अब दुख आयो राजा रे जीवन में, क्योंकि राजा पाप करियो, कई पाप करियो राजा। के एक भगवान दी भगत ही बिरी रानी जिकी भगवान दी भक्ति करती, कोई ने कष्ट नहीं देवती, भी भगवान दी भगत ने बहुत दुहाग दियो राजा, ओ पाप करियो। सजनो दो तीन जनारो अपमान पाप बतायो, पाप ही नहीं माँ पाप बतायो। एक तो माता पिता रो अपमान, माँ पाप। एक भगवान रो कोई भगत वे बीरो अपमान, माँ पाप। एक अपनो कमजोर गरीब आदमी है बीरो अपमान करे वो माँ पाप। ये तीन पापों में बचनो चाहिए। मात पिता जन्म देवे मोटा करे अपने, और देखा आग माइता ने अलग कर दे बेटा, माइत अलग बेटा अलग। मात पिता रो अपमान करे, मात पिता रे हम ही बोले, मात पिता री बात ने काटे, वो पाप नहीं है माँ पाप। कोई भगवान री भक्ति करे है भगत है, भी भगवान रे भगत रो अपमान करे, बिने दुख देवे बिने कष्ट पहुंचावे, वो पाप नहीं है वो माँ पाप। और कोई गरीब आदमी है कोई कमजोर आदमी है, बिने दबावे बिने दुख देवे बिरो अपमान करे बिरी आत्मा ने दुखावे, वो पाप नहीं है माँ पाप। राजा रे आज दुख आयो। अब राजा रे आंखिया में आंसू पड़ने लग्या, अरे वो कहीं संकट आयो। सर्प ज्यों रोती हूँ कुंडी लगाओ डंक भी नहीं मारे, अरे बैठो है डंक मार ले तो नेचो तो वह के मार लियो डंक। अब उबो बतो ऐसे कठ मारी डंक और कड़ांग मारी कोई ठाई नहीं भाई। अब यार एकदम कोई गोली ठोक दे तो वो मर जावा, अब उपरांग केड़ो बैठो रहे, बहुत दुख केड़ो भारी है बताओ आप, घना ठोक दे घोड़ी को बताओ आप। अब राजा रे आंखिया में आंसू आया तो कहे बीच समय वो सर्प नररी भाषा में बोले और कहीं कहे राजा ने बचा सके तो वो केवल जी रानी ने तुम दुहाग दियो है वही बचा सके तो नहीं संकट से। कई बोले राजा सर अरे मैं भी
बलोराम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की जय हो। वो सर्प नरी भाषा में कहीं बोले कि नर भाषा होई नाग नर्व से बोल ही, और दुआगणी ने क्यों जाय कष्ट वा खोले। नरी भाषा में बोले कि हे राजा, थारे संकट ने कोई टाल सके है तो थारी दुआगनी रानी टाल सके। तो कहीं बोले कि मैं भी करतो राज धर्म नाना किया, एक राम का नाम निकेवल नहीं लिया। हे राजा, एक दिन मैं भी मानव हो और मैं भी एक दिन राजा हो, राज करतो हो, दान पुण्य धर्म रा काम भी करतो हो, पर एक भगवान री भक्ति नहीं करी, एक सच्चे सदगुरु रे ज्ञान ने नहीं समझियो और परमात्मा रो नाम नहीं लियो हो, भी कारण आज मने सर्प री जुनी मिली है। सजनों, दान पुण्य करणो, सुकृत कर्म करणो अच्छो काम है, करणो चाहिए मानव ने, पर कल्याण तो केवल राम जी नाम वेला, कल्याण तो केवल गुरु रे ज्ञान ने समझना वेला, गुरु रे बताए मार्ग माते चलना वेला। निर्वासित धर्मदास जी महाराज कहो कि कंचन मेर सुमेर है, गढ़ हस्तीरा दाना करोड़ गऊ देवो दान में, और तो भी नहीं नाम समाना। नाम समान कलयुग में नहीं, निगम कहत निराधार। महात्मा कहे नाम रे समान नहीं कलयुग में, और कोई तिरने रे उपाय नहीं। सोचो सजनों, दान पुन करां जब तो धनरी आवश्यकता पड़े, तीर्था में जावा तो धनरी आवश्यकता पड़े है, होम यज्ञ करावा तो धनरी आवश्यकता पड़े है, राम जी रो नाम लाजन की धनरी आवश्यकता पड़ेगा। कोई आवश्यकता ना, गरीब आदमी है, कुछ नहीं है, राम भजन करी सके है। जीव परमात्मा सब ने दी, गरीब नहीं भाई जीव दीवीर अंबानी कहने भाई जीव है, कोई दूजी थोड़ी है, शरीर तो यही है। तो कहने रो भाव ये है कि दान पुण्य धार्मिक कार्य करना चाहिए, पर विशेष जो बात है वो है राम जी रो भजन, मुख्य बात है वो है राम राम करणो मानो, माला फेरनी, चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते परमात्मा ने याद करना, परमात्मा रो स्मरण करनो, राम नाम सुमरण दिया दिया भक्ति हरि भाव, आठ पेर बिश्रो मती यू कह गुरु दरियाओ। ये महात्मा रो संदेश। अकई के राजो के भजन बिना बेमुख 84 दारियो, भगवान री भक्ति नहीं करी तो 84 लाख जुनी में मैं चलियो गयो, और दरी सरप्री जून मिनक तनारियो, मानव जीवन ने गमा दियो, मानव जीवन ने खो दियो, बस दान पुण्य भी करियो। दान पुण्य भी सजनो आदमी करे, पर जब तक गुरु नहीं वे, जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिले, तब तक अज्ञान में कोई दान पुण्य भी करे तो भी दान पुण्य रो फल नहीं मिले। गुरु युक्ति बतावे दान पुण्य किकर करनो, यानी साकी एक गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देता दान, गुरुबिन दान हराम है चाहे बांचो वेद पुराण। अब ईसा की रो कहीं अर्थ है, अर्थ को नहीं, गुरु बनाए बिना दान पुन करा जी को व्यर्थ जावे। कई लोग आवे, बाप जी मन चेलो बनाए लो, मैं दान पुन करूँ जी, कोई मतलब कौन भी रो। ईसा की रो ये अर्थ नहीं कि गुरु बिना माला फेरता, गुरु नहीं है तो भक्ति की भगवानरी करनी है, भक्ति की कर करनी है। बा युक्ति अपने लोगों ने मालूम नहीं पड़ा,
कई लोग है जिका जबान राम राम करेंगे बस मन मुकी माला ले बैठगा भी माला रा मिणिया ने जिका ने खाचे माला रा मिणिया ने चारू मेर घुमावना कोई राम जी रो भजन थोड़ी वे बताओ। वो गुरु युक्ति बतावे एक राम भजन किकर करनो है श्वासो श्वास राम भजन री विधि गुरु महाराज बतावे। ये भजन करते समय अपने कई कई चीजों रो ध्यान रखनो है अभी युक्ति अपने गुरु लोग बतावे। तो गुरु रे बिन मनमुखी कोई माला फेरे बिन लाभ नहीं मिले। गुरु बिन देता दान गुरु नहीं है तो दान पुण्य की कर करनो यही समझ में नहीं आवे। भाई दान पुण्य करते समय अपनो भाव केड़ो वेणो जोईजे ये गुरु बतावे। कई लोग दान पुण्य केवल मान रे वास्ते करे के मैं दान पुण्य करा संसार में मारी वाहवाही वही लोग कई वारे वाह फलाण जी तो फलाण जी खूब रुपया दान में देवे। अभी दान री भावना को वो मान रे बुको देवे खाली एक कल्टा मिनक बेड़ा वे कटी देखा कोई आयोजन में और बस वो बोलने वालों बहने बहुत छड़ा वह रहे यूं करो अरे यूं करो आदो हल्ला तो लाई नाव रे भूखा बोलाई दे मात लाई नहीं बोला पर देखो बोला उन लोग कहीं कई वास्तु में वो दिया है ये दान नहीं है भाई। मान रे भूको जुको दान देवे है वो तो मान रो भूको है वह मान मिल जावे और कहीं लाभ कौन मिले भी नहीं। दान देव निष्काम भाव देव कोई कामना नहीं कोई ऐसी मान बड़ाई नहीं है। दान देनो है तो गौशाला में दान देनो है वारी पे ले जाओ और गायन चारों निकाय दो या कोई और पैसा दे दो अरे ढिंडोरो कहरो पीटनो बताओ मैं इता दिया सर ये ढिंडोरो नहीं पीटनो ठीक है दे दिया दिया तो बढ़िया ही है दिया अच्छी बात है। कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं कोई ने कहने की आवश्यकता नहीं गुप्त में जाहिर अपनो दे देना अपनो कर्तव्य है वा फिर भी बात रो रात दिन चिंतन भी नहीं करनो मैं दान दियो नहीं दे दियो बस भूल गा भी बात नहीं भूल जानो निष्काम भाव दान देनो निष्काम भाव करियोगी दान पुण्य मानव री मुक्ति में सही क्रिया करे मान बढ़ाई री दृष्टि दान पुण्य नहीं करनो कदई ई भावना भी नहीं करनो भगवान मन पाछो दे जना तो वापिस जन्म लेनो पड़ी अपन सुख भोगने वास्ते। ये दान पुण्य करते समय ध्यान रखना और भी कई बातों रो ध्यान दान पुण्य करते समय रखनो। दान पुण्य करते समय ये ध्यान रखनो आगे पात्र है कि कुपात्र है। कुपात्र ने दान दे देवे तो वो दान मिनक रे बर्बादी रो कारण बन जावे। कुपात्र ने दान दे दे जैसे कोई घरे आयो मांगने वालो देव देव अब अपा मैंने 50 रुपये दे दिया अब वो घर जाए शराब पियो दारू नशा में वो झगड़ो करियो और झगड़ा री टेम जे कोई री लाग गई वेर मरगो वे तो पाप किन वे अपा नहीं पाप है अपा मैंने साइक बन गया। तो कुपात्र ने दान नहीं देनो एन कोई घरे मांगने आवे तो बिन रोटी जी मार देनी सबो बढ़िया है। अरे दान ही नहीं देनो दान दे तो भेज दे बेटा भिखारी कम नहीं है दान दे दियो तो वे भेज दे वे रुपया ले ले बताओ सो को गाबो दे दियो तो भेज दे वे की नहीं देनो भूको है तो रोटी जीम ले हाँ कोई गोपी हाँ कोई गोपी चंद नहीं आवे बाबा जी कहीं कही कही दान देना भी आवे कोई नहीं आवे इरवास्ते महात्मा कहे भाई कोई भी आयो मांगने बिन रोटी जी मार दोगे और फालतू रोबी ने पैसों देवे तो वो कांटा कहीं करे भी रो बताओ थे आगे जाए वो 50 रुपया कोई चक्कू खरीद लियो वेर कोई चक्कू गाल दियो फेंट में तो वो अपना 3 रुपया रो खरीदी तो ये ध्यान रखे पैसों कोई नहीं देनो और भिखारी है तो आता हूं तो आप लखनऊ भिखारी है नहीं मांग निकट जरूर थे बताओ नव नारायण दिए कमाओ खाओ पर कहया ने तो वो कोड आएगो मांगनो अब मांगनो कोड आएगो जना 5-10 रुपया हाथ में ले लिया दे रे दे दे वो मांगनी मांगनी वृत्ति करे भी रे जे हाथ में 1 रुपया आप उठा लियो तू मन दे दे तू 24 घंटा दे ही दे करे तू ही दे दे कि वो कौन दे भावना ही कौन बीरी अर बीरी वा भिखारी टाइप ही सोच में जाए पर वो कदई तो कोई की बीरो कल्याण कौन कल्याण नेड़वा कोई कौन भिखारी मांगे जी करो कहीं कल्याण है बताओ आप
रिप्यू रिप्यू मांगे मेरो कल्याण वे के उनके मेरी सोच ही बाबीती रही कोई भिक्यारी हो बिन कोई क्यों रे थारे जे 50 करोड़ रुपया थन मिल गया वे तो तू कहीं करे तो बोगियो मैं एक मोटो मिंदर बनाऊ और 5-12 बेर भीख मांगू क्यों रे नियाल करियो थारी आई सोच रही के 50 करोड़ रुपया मिल जाए तो कहे के मैं तो मिंदर बनाए बार भीख मांगू तो बाबी री कहीं बा भावना बा बीती रहे 24 घंटा बा बैठी बा मगती सोच ही रहे बीरी बड़ी सोच नहीं रही इन्हीं कहते तो 50 रुपया कोई व्यापार करूँ कटी कोई चौको काम करूँ कटी दान पुनी दे इवी कह सकते लाख 8 रुपया गयन चारों ने को पर क्यों नहीं मैं मिंदर बनाई मांगू तो कहने रो अर्थ है कि दान पुन भी कुपत्र ने दान नहीं देना देखर दान देना तो संत महात्मा बतावे किन देनो चाहिए कैन देनो चाहिए की भावनाओं देनो चाहिए गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान सो तो दान आराम है भाई बांचो वेद यानी वो अपने लेखा में नहीं लगे ईसा की अर्थ ये है वो सरप जो कहीं बोले भी राजा ने मैं भी एक दिन राजा हो पर नहीं तो कभी सत्संग में गियो नहीं गुरु रे ज्ञान ने समझियो बस सुनी सुनाई बात एक दान पुण्य करो तो मैं कर दे तो आप पतो ही नहीं मन किन कहीं देनो हो कहीं करना भी रो परिणाम कहीं भी हो आज मैं 84 लाख जूनी में चलियो गियो 84 लाख जूनी में मैं दुख पाऊंगा सर्वप्रिय यूनि मन मिली है अब के वाराणी हरि भगत सप्त कुल तार ही और मेरो करे उदार 84 तार पर जी रानी ने तुम दुआग दियो है बा भगवान री भगत है बा भगवान अर्श परस है और बा रानी अजावे यदि तो उधार कर देवे मारो कल्याण कर देवे राजा री आंखें खुली रे राम राम जी रानी ने मैं दुआग दियो बा रानी कितनी भगवान री भगत पर राजो विचार करे कि आप आज बा रानी इस संकट रे मौके में अब थोड़ी आई मैं तो बिन दुआग दे दियो पर देखो भगत रो हृदय बहुत कोमल लिया करे भगत रे मन में कोई रे प्रति वेर भाव नहीं है तो राजा एक सेवक ने भेजे कि जाओ रानी ने बुलाई लाओ जावे और सेवक जाए रानी ने कह के राजा में एडो संकट आयो है और आप ही भी संकट ने टाल सको ये बात सुनते ही रानी कई मन में विचार करे देखो भाई सेवक जाहिर भी रानी ने कहे कि हे रानी
राजा में एडो भारी संकट आ पड़ी हुए, चालो भी संकट ने केवल आप ही मेट सको। देखो एक भगवान मेरा भगतरु हृदय की तो कोमल रहे। रानी ये बात सुनते ही मन में कई विचार करे, अरे राम आज मारा पति संकट में है और मैं मेलों में सुखी बैठी हूं, चलो चलो जल्दी चलो। सजनों भगवान शंकर ने एक समय पार्वती पूछे, संतारी महिमा बताओ, संतरी परिभाषा बताओ। तो भगवान शंकर के एक उमा संत की आई है बड़ाई और मंद करत ता करत भलाई। हे उमा मारे संतारी आ महिमा है कि संतरो कोई बुरो करे फिर भी संत और भगत बीरो बुरो नहीं चावे, बीरो भलो ही चावे। ये संत और भगत की विशेषता है। अभी कोई दूसरी व्यक्ति तो बाकी थी नहीं नहीं अब ठा पड़ी है मन दुआक दियो के रानी ऐसा विचार नहीं, भगत रो हृदय विशाल रहे क्योंकि भगतरे कोई वेर भाव नहीं देवे। भगतरो तो दिल मखनरी तरह कोमल विया करे, संत हृदय नव नित समाना, कहा कवि ने पर कह नहीं जाना। संत इतने सरल हृदय विया करे, संत और भगत वो कोई रे प्रति दुर्भावना नहीं रखे, कोई रे प्रति द्वेष री भावना नहीं रखे। बताओ पीव दुखी में सुखी होई क्या कीजिए, औरा ने सुख दे आप दुख लीजिए। अरे पति दुखी है मैं सुखी हूं, नहीं नहीं संत और शास्त्र तो कहे मानव ने सदा दूसरा ने सुख पहुंचाना चाहिए, कभी भी कोई ने दुख नहीं पहुंचाना। वो अपना धर्म ग्रंथ कहे कोई ने भी दुख मत दो, सुख देव दुख कोई ने भी मत दे। अरे दूसरा सुखी वे चाहे अपा ने दुख उठाई लेनो पर दूजा ने दुख नहीं देनो, दूजा ने सुखी राखने रो प्रयास करनो चाहिए। पर अपा दूजा ने सुख देवनो तो आंतरे गियो, दूजा ने सुखी देगा जन अपा ने दोरे भी जावे। आ बीमारी उल्टी हुई है अपने तो अपा कट भगत हम बताओ, दूजा ने सुखी देखे मानो दुखी भी जावे। आज इस संसार में मानव रे कोई तरह रो अभाव नहीं है, सब ने दाल रोटी भगवान दी है आप रे कर्मा अनुसार, देखो सब री पेट भरे भगवान करे, सब निकने पास में है, अभाव दुखी नहीं है। मानो खुदरे स्वभाव दुखी है, स्वभाव दुखी है, स्वभाव जिको दुखी है बिन तीन लोक में कोई सुखी नहीं कर सके। जा पड़ोसी तो धनमाल की करवे गोर मारे कौन भी हो, अरे बीरा कर्म है बीरे भाग में लिखियोड़ो अभी नहीं मिल गो, सब ने बराबर थोड़ी मिल सारे मिले। तो कहने रो अर्थ ये है आम जो प्राणी है वो तो दूसरा ने सुखी देकर दुखी भी जावे, पर भगवान रो भगत कैसे होवे, खुद दुख उठाई लेवे पर दूसरा ने सुख देवे, दूसरा ने कभी दुख नहीं देवे। तन कर मन कर वचन कर ना देत कहूं को दुख, तुलसी जड़ते हैं देखत उनका मुख। जो तन्नु तन्रे द्वारा मंद्रे द्वारा तन्नु भी दुख नहीं दे, मन्नु भी कोई रे बारे में बुरो नहीं सोचे और वाणी रे द्वारा भी कोई ने दुख नहीं पहुंचावे, भी आदमी रो मुख देखना पाप जड़ जावे, ऐडा अपना संत महात्मा सब कहया है भाई बताओ। वो रानी रवानी हुई, मैं पत्नी हुई कहीं करी और अपनो पति ने नहीं तारियो, अरे पत्नी रो कहीं धर्म है और पत्नी री परीक्षा कद वे है। साधु शब्दा पर किए बिको पड़िया घर नार, सुरा ने तो जद पर किए भाई रण में बाजे तलवार। साधुरी परीक्षा कद वे कि साधुरी परीक्षा वे शब्दु, शब्द रे द्वारा आपने पतो चल जावे को साधु है सज्जन है को दुर्जन है, अच्छो व्यक्ति एक दुर्जन व्यक्ति शब्द रे द्वारा ही तो पहचान वे।
मेरी भाषा शैली रे द्वारा मेरा भावारे द्वारा पतो चाल जा को वो केड़ो आदमी साधु शब्दा पर केर बिको पड़िया घर नार पत्नी री परीक्षा कदवे है कि भाई ये पतिव्रता स्त्री है ये वास्तव में सच्ची साथी है बिको पड़े जन पत्नी री परीक्षा सुख वे जड़ते तो अहंकारा में अहंकारो शब्द रही है दुख पत्ती में पड़े और भी समय भी बा पत्ती रे वचना रो उल्लंघन नहीं करे और पत्ती रे साथ खड़ी रे सुख दुख में वास्तव में भी पतिव्रता नारी ने धन्यवाद दुख पड़ गो पति में फिर भी जैसे राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ही तारामती बताओ आप भी में दुख पड़ी हो राजा हरिश्चंद्र में राजा हरिश्चंद्र नगरी छोड़ी तो वह सात वीर वेगी अरे तारामती तू कटे जाए कि नहीं मैं थे जाओ जट मैं जाऊं अरे तू कटे रही थे रे हो जट मैं रे हूं तू उठे कहीं खाए आप जी मो जीव मैं जी मो पत्नी राजा हरिश्चंद्र बिकने लगा तो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी के नहीं पहला मैं बिकू पचा आप बिको तो वास्तु में ऐसी नारियां भारत में भी अपनी पति की आज्ञा में चली सीता ही देख लो आप मात सीता रो प्रसंग शादी हुई वो तो जनकपुरी में जन्मी उड़ी कहीं कमी बड़े राजा रे घर शादी करना आई पर वनवासरी समय पत्नी साथ रवाने वेगी सीता अरे सीता वनवास तो मन दियो है तन थोड़ी दियो है तो थेर में अलग थोड़ी आ एक ही आप रे उजट में साथ बिको पड़िया घर नार सूरा ने जद पर के रण में बाजे तलवार सुरवीरी परीक्षा कर गए है युद्ध में सुरवीरी परीक्षा में युद्ध किसी हो के धर्म युद्ध में आ खुदरे जमी जागर लड़े हमेशा करे कई करे बिनू बिन सुरवीर कौन कहे जिस समय धर्म री बात आवे जिस समय धर्म रक्षा री बात आवे जिस समय सुरवीर अस्त्र शस्त्र उठाए लगे सुरवीरी परीक्षा में युद्ध क्षेत्र में ऐसे सजनों धन्य है आज वह पत्नी अपनो धर्म विचार करे कि मैं पत्नी भी हूं मैं परणी जाई हूं मारा पति दुखी है चलो जल्दी चलो आई वो तो देखे दो सुहागनी रानिया बैठी पण बेणू की कारी कौन लगी और राजा रे वो सर पण लगाएड़ो बैठो पंडित जी बैठा अरे के हो रे सरप सू आया सरप ने आर के सरप तू क्यों मारे पति रे चारों तरफ कुंडली लगाए बैठो है तू कहीं बोले के हे रानी आप भगवान रा भजन करने वाली हो आप जो भगवान रो भजन करो एक राम जी रे नाम रो हिस्सो है वो मने देवो मैं कदी भगवान री भक्ति करी नहीं संकल्प रे द्वारा राम राम करो बीरू हिस्सो मने देवो मारे हिस्से में वो राम नाम रो पुण्य आई तो मारी आ सर्प री जूनी है जो मुक्त वेजी आई अरे कियो रे सर्प को आय नाम ही सो रे दियो द्रव्य रूप देह धार सर्प वो मुक्त भयो बोलो राम जी महाराज की ऐसे सर्प ने ईसो दियो और ईसो देते ही सर्प प्री योनी छूट गई और सर्प प्री मुक्ति हो गई राजा ने दियो सुहा राजा दियो सुहाग सर्व सुखी करी हरि हा ऐजो ऐसो है भजनरो प्रताप विपदा तीनों टली देखो भगवान री भक्ति तीन विपदा एक साथ टलगी किसी तीन विपदा सर्वप्री तो जूनी छूट गई राजा मरणो बच गो और रानी ने सुहाग मिल गो ये तीन काम एक साथ हो गया ये राम नाम रो प्रभाव रानी ने भी मान सम्मान रे साथ पटरानी रे स्थान दियो फिर राजा और रानी और बे दो दुहाग दियोड़ी वे रानियां भी ये घटना प्रेरित वही भगवान री भक्ति में लागी और अपनो कल्याण करियो बोली राम जी महाराज की जय हो तुम आत्मा के एक तप तीर्थ केता करो व्रत नेम पुण्य दान
सुख सारण इन संसार में तुले नहीं नाम रे समान। तप करो, तृत करो, व्रत करो, पर फिर भी महात्मा कहे नाम रे समान नहीं तुले है। नाम री तो महिमा भारी है। एक घड़ी आधी घड़ी हरि को ध्यान धरे ता सर्वर यज्ञ योग तप कहूं नहीं करे। सुखराम जी महाराज क्यों लाख बरस तपस्या करे एक पलक कहे राम ता पल को पहुंचे नहीं कोटि वर्ष सुखराम। महाराज कहे भी पल ने कोटि वर्ष भी नहीं पहुंचे सजनो। इति राम जी रे नाम री शक्ति है। ऐसो राम जी रे नाम रो प्रभाव है भाई। आज देखो कथारे द्वारा विशेषते अपने राम भक्ति री प्रेरणा मिले है। राम नाम री प्रेरणा मिली है। आपने कठई बार भटकने की आवश्यकता नहीं है। हेली मारी बाहर भटके काई और थारी सब सुख है घट माही। संत श्वासो सांस राम भजन रो उपदेश दियो है। आते जाते शास्त्र द्वारा समय निकालो। गुरु महाराज कनो अच्छे ज्ञानी गुरु उपदेश ले नियम धारण कर और भगवान रो भजन करो भाई। अन्यत्र कोई पाखंड परपच में पढ़ने री आपने आवश्यकता ही नहीं। श्वासो सांस भगवान रो भजन यही मुख्य माला। माला फेरनी इरो अर्थ कहीं है राम भजन करनो। इरो अर्थ ये नहीं कि ये माला फेरनी कंठी माला काट की किलक गार का होई जन दरिया निज नाम बिना पार नहीं पहुंचा कोई। कंठी है, माला है, तिलक है, ये तो एक चिन्ह है साधुरी वेशभूषारो सुंदर है। परमात्मा कहे राम जी रे नाम बिना पार नहीं पहुंचे। तो संत किसी माला ने फेरी गायो है महात्मा वाणी में। सारी डोरी म्हारे मन डेरी माला सारी डोरी म्हारे मन डेरी माला सबदारो मिनियो मारे गट में फिरे हो सबदारो मिनियो मारे गट में फिरे हो मारे सारी डोरी म्हारे मन डेरी मां अरे गट में ही गंगा गट में ही यमुना गट में ही गट में यमुना तो नावण मनवा काई तू करे हो बायरा तो नावण मनवा काई तू करे हो मनवा काई तू करे हरी मन डेरी सांसारी डोरी गट में ही मथुरा गट में ही काशी गट में ही मथुरा गट में ही काशी पैरा तो तीरथ मनवा कहीं तू करे
स्वासारी डोरी मारे सारी डोरी और मंदडेरी माला सबदारो मिनियो मारे गट में फिरे जो श्वास है यही डोरी है। श्वास सारी डोरी आतो और जातो श्वास, श्वास सारी डोरी और मारे मंदडेरी माला, और माला कहरी मन ने भगवान रे वजन में लगाना हो, और मिनियो कह रो गुरु महाराज जो शब्द दियो है वो शब्द ही मिनियो है। वरना महात्मा लिखे माला तो कर में फिरे जी फिरे मुख माई मंडड़ो तो चारों दिश फिरे ओ तो सुमरण में मन लगाए और एकांत चित वे संत भावरे साथ में भगवान रो भजन करो। ये भगवान रो भजन ही सारे अठाई गंगा मथुरा सब नाम में ही बताया। संत निगम जी महाराज अपने वाणी में लिखे कि नाना विधि के धर्म, संसार में अनेक तरह का धर्म चले है, पंथ चले है, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, कोई कई साधन बतावे कोई कई साधन बतावे, नाना विधि के धर्म कर्म कर जगत बुलाना, भजन बिना कछु नाई फूल श्यामल का जाना, ज्यू सुवो खाली रहो अंत काल की धार, नाम बिना नहीं कलयुग में निगम कहत निराधार। कलयुग में जो भगवान रे नाम रो सुमरण नहीं करे तो वो कैसो है कि फूल सेमल का जाना, सेमल रो फूल वे वो कैसो दिखे आमृत, सुओ देखे लुभाई मान वे जावे,
लुभावान भैया जन वो जाहिर चोंच मारे और चोंच मारते ही कहीं मिले, चोंच मारती अंत में केवल बीमे रुई ही निकले है, बीमे कोई रस नहीं है। बाकी धर्म कर्म ऐसा है, कई जगह देखा लाखों लोगों की भीड़ वह है और महाराज बतावे के भाई थार पे ही मैं यूं मेल देनो, घर्रे बारे यूं टांकनो, घरे महीने यूं टांकनो, सोमवार आ जानो, मंगलवार आ जानो, कोई के वील पत्र चढ़ावना, कोई की कहवे, कोई की कह, ये केवल भरम और कर्म री बातें हैं भाई, कुछ नहीं मिलने वालों। कलयुग में राम जी रो नाम, महात्मा दरियाव जी महाराज फरमायो, दरिया दूजे धर्म से संसे मिटे नहीं शूल, राम नाम रटता रे और सब धर्मारो मूल, सब धर्मारो मूल है जो राम जी रो भजन है। वर्णाश्रम खट दर्शन और सब कई ये भेका, भक्त बहुत भगवंत जैन जंगम और शेखा, कवि पंडित ज्ञानी गुणी नाना पंत अपार, नाम समान नहीं कलजुग मेर निगम कहत निराधार। कई वर्णाश्रम खट दर्शनी और भी कई भेदधारी, बहुत भगत भगवंत, कोई जैन कोई जंगम कोई शेख, कई पंडित है कई ज्ञानी है गुणी है, पर विशेष सार है जो सब में वो है राम जी रो नाम। और कहे राम नाम निज अंक और सब शून्य कहावे, सुन सुन दस गुण होई नाम जदि हृदय आवे, नाम बिना निष्फल सब कीर्तव करो हजार, नाम समान नहीं कलजुग मेर निगम कहत निराधार। और कहे फलेन वेद का वचन कर्म शुद्ध को नहीं आवे, दिन दिन बड़े अनीत नीत मर्याद घटावे, कठिन कलयुग देख कर ऋषियां करियो विचार, नाम समान नहीं कलजुग मेर निगम कहत निराधार। जद कलजुग आयो जद ऋषि देखियो रे के दिन दिन अनीति बढ़ेला, मर्यादा घटेला, नेम धर्म घटेला, और ये घोर कली काल में कल्याण रो कई उपाय रहेला, कलयुग आवत देव देख देव ऋषि पहले भागा, रया एकंतर जाय ध्यान हरि सिमरण लागा, सब अवगुण कलयुग में एक बड़ो गुणसार, कुल करणी कछु भेद नहीं नाव लिया भव पार। और सबो मोटो गुणी कलयुग मिट्टी वेद मर्याद कठिन कलयुग चला आयो, धर्म भ्रष्ट सब भयो दंभ पाखंड चलायो, और स्वार्थी उठ लगया नहीं संतोष लिगार, नाम समान नहीं कलयुग मेर निगम कहत निराधार। ये इति राम जी रे नाम री महिमा है, और भी बहुत साखियां सवैया है जिन्हें राम जी रे नाम री महिमा बताइए। तो भाई इम की लागे कहीं के नहीं लागे, नेम ले हमेशा 24 घंटा री समय मिले, ज्यादा ज्यादा एकांत में बैठ और राम राम करो, जीव वे जीव सांसो सांस वे तो होना में हुगने नहीं वे तो ही राम राम करो भाई। सांसो सांस तो बहुत बड़ी चीज उत्तम है, सांसो सांस कोई वे नहीं कि मारो सांसो ना वे तो भी राम राम करो, राम 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 राम। देखो मन की कर एकदम शांत हो जावे, एक बार आप भेजियो राम भजन करो, राम राम जप करो, 5 मिनट बैठ करो, देखो आंखें बंद कर करियो कितनी शांति मिले, और ध्यान कट लगाना है ऐसे करनो, देखो ध्यान अठे लगाना है जटे दो बिंदु मिले ने और वो हाथ अठे इरी तरफ ध्यान देखो, राम राम करनो सब करो, राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सब बोलो भाई राम 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 बोलो राम जी महाराज की जय हो। देखो राम राम करने को कितु सुख मिला है। अभी तो कहीं ये ज्यादा कुल्लर चला है, कुल्लर की आवाज में सांसो सांस राम भजन सही ठीक से नहीं बनाए। एकांत में रहो तो सांसो सांस रो, गुरु महाराज कहो एकांत में बैठ अभ्यास सीखो, और नहीं वे राम राम तो करता है। राम राम करने में मन एकाग्र वे, मन शुद्ध वे है, मन इधर उधर भटके नहीं, वास्ते राम राम करो। हमेशा रो नियम बनाई लो कि भाई आप कुछ समय बैठ राम राम करा। इतनी राम राम री महिमा है जिरी कोई सीमा ही नहीं। आज देखो दो दिन संत राम राम री महिमा करे है, तो देखो के जब आप वास्तव में अपा राम राम करा ला, राम भजन करा ला, बैठ एकांत में माला फेरा ला, तो राम राम में रस मिले ला, फिर राम राम री महिमा सुना ला, फिर और ही आनंद आवेला। फिर वास्ते दरिया साहब के कहीं सुनिया सुख नहीं मिले, और सुमरिया ही पावे स्वाद, विशेष आनंद कद मिले लो जद राम राम करा ला। ये महापुरुष भैया देखो चतुर्दास जी संत राम भजनर प्रभावित तो है, राम भजनर प्रतापी है, बहुत राम जी रे नाम पराक्रम, राम जी रे नाम पानी माते पत्थर तिरिया, राम जी रे नाम अजामिल जैसे पापी रो उधार भी हो, डाकुआ रो उधार भी हो। हरि नाम री महिमा करा उति ही कम है, आओ एक नाम महिमा रो और शब्द बोला, फिर बाद में शरण बापू जी अपने आगे री राम नाम री महिमा सुनावेला। बोलो राम जी महाराज की। हरी नाम रे, सकल शिरोमणि नाम रे, नाम रे हरी नाम रे।
करियो कि इस कली काल में सर्च साधन कहीं है कल्याण रो महाराज भी ये लिखी नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि सृष्टम राम नाम रो साधन दुष्टर तारे पार उतारे दुष्टी जीवारो भी उधार करियो दुष्टर तारे पार उतारे नरक निवारे नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। आगे लिखे तारण हारा भौजल पारा निर्मल सारा नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। नूर दिखावे तेज मिलावे ज्योति जगावे नाम रे सब सुख दाता अमृत राता दादू माता नाम रे। बोलो राम जी महाराज की।